वी आर स्टार्टिंग असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, जिसमें मुझे पढ़ाना सिर्फ छोटी छोटी बातें हैं। एक चीज आज मैं पढ़ाना नहीं चाह रहा, पढ़ाऊंगा बट आज मेरा मूड नहीं है। कहते हैं इनकम अर्न्ड बाय द टैक्स पेयर से काटते, कहते हैं एक्सेप्ट द फॉलोइंग ऑल अदर इनकम शुड बी इंक्लूड, ये वाली इनकम इंक्लूड नहीं होगी। ऑब्वियस है, इनकम विच इज एग्जाम्प्ट, जब वो टैक्सेबल ही नहीं है तो वो इंक्लूड क्यों होगी। नहीं होगी। इनकम टू बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ अदर पर्सन, बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट क्लबिंग ऑफ इनकम, कि बिकॉज ऑफ सर्टेन रूल्स अगर मेरी इनकम मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं है तो वो फिर मेरी टैक्सेबल इनकम निकालते वक्त काउंट नहीं होगी। देन इफ आई एम मिस्टर राम सर एंड इसमें राम, मतलब सर इस पॉइंट में मैंने पूछना था एक चीज कि कैसे लगा सकते हैं हम इसमें, मतलब जैसे हम 80DD और 80U को हम कंसिडर करें तो वो एक पॉइंट हो सकता है कि मतलब किसी नहीं और नहीं की बच्चों अभी इनकम अभी है। बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे, अभी आज छोड़ दो। अच्छा इट इज लाइक मैं आपके साथ एग्जांपल लेता हूं, मैं मिस्टर एक्स हूं, आप मिस्टर वाई हो, आप मेरे बेटे हो, हाँ जी आप 10 साल से भी छोटे हो बट अपने पापा से ज्यादा पैसे कमाते हो, क्योंकि आपका चेहरा चबी चीक्स है और आपको एडवर्टीजमेंट बड़ी मिल जाती है तो आप पैसे कमा लेते हो। पापा तो आपको अच्छा गोदी में अच्छा ले लेके घूमते रहते हैं, उनको तो अपनी कमाई तो इतनी है नहीं, थोड़ी बोरी है वो सबकी, तो आपकी इनकम, आप तो माइनर हो, गवर्नमेंट हाँ जी सर कहती है मुझे उस पर टैक्स चाहिए, तो आपको कौन सपोर्ट कर रहा है, लेट से आपके पापा, आई एम अज्यूमिंग, तो आपके पापा की इनकम में आपकी इनकम क्लब कर दी जाएगी, तो वो इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं है, नहीं नहीं ऐसे ही मिस्टर एक्स मिसेज एक्स, प्यार का वादा आधा आधा, आधा घर उसके नाम कर दिया, पैसे उसने एक ने लगाया घर, आधा उसके नाम, तो लॉ कहता है भाई रेंटल इनकम जो आ रही है तू जो आती है अपनी बीवी के नाम पे दिखा रहा है, गलत बात, पैसे तो तेरे थे, पैसे तो तेरे देने तो हाँ थे, तूने डिवोर्स थोड़ी लिया अभी तक, तुमने आधा जी हिस्सा ट्रांसफर थोड़ी किया है। पढ़ेंगे ये सब लॉ, मतलब एक लेमैन सेंस में आज बात कर रहा हूँ, तो आपने बोल दिया तो मुझे ये सब बोलना पड़ा सुयेश, जस्ट टू एक्सप्लेन। तो उस केस में आधा रेंट का इंटरेस्ट, आधा रेंट मिसेज एक्स के अकाउंट में आता है बट फिर भी उसके ऊपर टैक्स कौन देता है? थैंक मिस्टर एक्स यू। और दोनों की अपने अपने लाइफ में एक्स हैं बट कोई बात नहीं, हमें उससे क्या लेना। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एचयूएफ टैक्सेबल या एग्जाम्प्ट? लॉ कहता है अगर आप किसी एचयूएफ के मेंबर हो और उससे आपको कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है तो वो आपके हाथ में फुली एग्जाम्प्ट है, वो टैक्सेबल लगेगा। नहीं। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ए फर्म विच इज असेस्ड एज पार्टनरशिप फर्म, कि अगर आपको किसी पार्टनरशिप से एज ए पार्टनर कोई शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है वो भी एग्जाम्प्ट इन। है। और मेरे बच्चों को याद होगा मैं 12th स्टैंडर्ड से पढ़ाता आ रहा हूं आप लोगों को, ये पढ़ाने का थोड़ा फायदा भी हो जाता है, कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जब हम करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट इज चार्ज और अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मींस बिजनेस का पार्टनर। यस इसीलिए अगर आपको कोई सैलरी एंड इंटरेस्ट उस फर्म से मिलता है इट इज टैक्सेबल इन योर हैंड्स एज इनकम, बिजनेस इनकम बिजनेस इनकम। मोटा मोटा देखो मैंने आपको इसको अपने स्टाइल में पढ़ाने की कोशिश, सो फार सो गुड। यस चलो सर। एक चीज पूछनी थी वापस, सेक्शन बोलो बेटा, क्लबिंग 62-64 वो ही है ना जो आपने अभी बताया था ऑफ जिसमें इनकम, ओके सर। जिसमें क्लबिंग ऑफ माइनर चाइल्ड भी आएगा, बहुत सारे मतलब कुछ केसेस होंगे जिसमें क्लबिंग ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ओके सर सर एक चीज और पूछनी थी कि जो अभी हमने प्रोविजन डिस्कस नहीं करे ना कि वो जो रेम्यूनरेशन और सैलरी मिलता है पार्टनर्स को फर्म पार्टनरशिप फर्म में जो 12% और फर्स्ट 3 लाख पे 90% बुक प्रॉफिट्स वगैरह वो अभी हमें करेंगे ना आगे जाके। वो हाँ तो बिजनेस इनकम है मेरे बेटा, वो हमने करे नहीं थे ना सर आई गेस भाई से। मैंने असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कहाँ पढ़ाया अभी, कहाँ हाँ वो बचा है ना अभी करने को। पढ़ाया अभी, हाँ ठीक है सर। वो तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, कैसे छोड़ दूंगा, हाँ सर दो ही क्वेश्चन है बुक में और दोनों इंपॉर्टेंट है।
इनकम अच्छा उसके अर्न्ड बाय अदर्स एंड इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ यू बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 64। अगर आपकी इनकम दूसरे में टैक्सेबल है तो वो आप में ऐड नहीं होगी, बट अगर अदर वाले की इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल है तो ऐड होगी। सर समझ नहीं आया, एक मेरी आंसर दे इनकम पे दो। मुझे टैक्स नहीं देना क्योंकि मेरी इनकम आपके हाथ में क्लब हो गई है, तो क्या मेरी जीटीआई में उसे ऐड करोगे? नो नहीं सर, बट बिकॉज ऑफ दिस क्लबिंग लॉ आपकी इनकम मेरे हाथ में ऐड हो गई है, तो क्या मेरी जीटीआई में ऐड करोगे? मतलब मेरी इनकम आप सर वापस शुरू से बताओ। आप मेरे बेटे हो, मैं आपका पापा, और आपकी इनकम बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन 62-64 वो कहता है आपको उस पे टैक्स देने की जरूरत। नहीं है क्योंकि मैं माइनर हूं। इतना मत सोचो, उस पे आपके पापा टैक्स देंगे, तो जो ओके आपने पैसे कमाए वो मेरे हाथ हाँ, में टैक्सेबल है, तो क्या मेरी जीटीआई में ऐड होंगे? बट आपकी होंगे, आपकी जीटीआई में ऐड होंगे। नहीं आपकी जीटीआई में ऐड, मैं तो टैक्स ही नहीं दे रहा, मेरे में नहीं। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, इनकम अर्नड बाय बेटा एंड इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ पापा ओके शैल सर, बी यस सर, इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ पापा। यस ऊपर सर, वाले उसके के तरह ही तो हो गया, ऊपर वाले का जस्ट ऊपर ऑपोजिट ही, उल्टा, तो उसका इनकम ऑपोजिट ही अर्नड तो हो बाय गया। पापा इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ बेटा, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो वो नहीं हो सकता। सकता। यहाँ और पर फिर वाइस इनकम वर्सा, ऑफ सिंपल सी पापा बात मैंने पापा में बता इंक्लूडेड दी। इज दैट क्लियर गाइस? है। यस तो सर, मतलब मतलब फर्स्ट पॉइंट या फिर लास्ट पॉइंट और उसका वाइस वर्सा। हाँ वाहेगुरु सच्चे बादशाह। चलो बच्चा पार्टी, क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द नेट इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। अब मेरी बारी, बेसिक सैलरी बोनस कमीशन एचआर ये सब कुछ किससे रिलेटेड है? इनकम फ्रॉम, सैलरीज अब देखो जरा ध्यान देना बेटा मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ। अब हम प्रॉपर प्रेजेंटेशन वाइज बात करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ लिखा जो क्वेश्चन ने मुझे बोला है, कॉम्प्यूटेशन ऑफ नेट इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। ओके अब मैंने यहां पे लिखा उत्तर, इनकम फ्रॉम सैलरी सैलरीज सी वर्किंग नोट। आज से पहले ऐसा क्यों नहीं कर रहे थे सुयश? क्योंकि मेजोरिटी क्वेश्चन जो आप कर रहे थे उसमें एक ही हेड मेजर होता था, बाकी सबकी तो डायरेक्ट या तो जीरो वैल्यू दे रखी होती थी या फाइनल फिगर दे रखी होती थी। करेक्ट, हाँ जी सर, लॉक कर कौन दो से बेटा पेज इसे। पर है सर हाँ मेरा बेटा, ये 417 वाला क्वेश्चन? ये 195 P1 कर रहा हूँ उत्तर। अच्छा ठीक है सर, ओके, नाउ बेसिक सैलरी कितनी है उत्तर? 480। यस सर। यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट में लिख दिया इनकम फ्रॉम सैलरी शॉर्ट बेसिक सैलरी 4,80,000। बोनस कुछ भी नहीं बोला तो हमें क्या लेना देना, बोनस तो टैक्सेबल ही होता है, कमीशन टैक्सेबल ही होती है। हर एक का अलग अलग दिखाना पड़ेगा। बच्चों पहले नहीं दिखाता था, भूल गया क्या मेरा बेटा? नहीं, वर्किंग नोट में मैं बात कर रहा हूँ, मतलब एक हाँ कंबाइन ही बिल्कुल दिखा। बच्चों, ठीक है, उसके बाद एचआरए कितना है बच्चों? 1,20,000।
लेस एग्जाम्पल, इसका भी वर्किंग नोट तारीख पे तारीख सनी देओल की तरह, यानी वर्किंग नोट पे वर्किंग नोट, अभी थोड़ी देर बाद बनाते हैं। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, कितना एग्जाम होता था आरपीएफ वाला? 12%, 12% 12%। और 7.5 लाख, विच एवर इज लोअर। सो 12 सर उस परसेंट 7.5 लाख का रेलेवेंस अभी भी समझ में नहीं अपर आया। लिमिट बच्चों। अच्छा ठीक है, मतलब अपर लिमिट मतलब फिक्स ना, मतलब हाँ मान लो किसी की ठीक बेसिक सैलरी 1 करोड़ है, है। उत्तरी ना 12% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएडीपी प्लस फिक्स कमीशन ऑन टर्नओवर। वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं यहाँ पे वर्ड फिक्स देके, ये फिक्स पर मंथ वाइज है या पर एनम वाइज है, और हमारे घिसा पिटा मीनिंग में कौन से वाला यूज होता है बेटा? तो टर्न ओवर पे रखती है। ठीक टर्न ओवर पे ठीक इज दिस क्लियर? तो बताओ ये कितना आ गया? है, 57,600, कितना? 57,600। ठीक है, 1 सेकंड बच्चों। ओके, बुक में चेक भी करता रहियो भाई, मेरी गलती भी हो सकती है, ठीक है ना? 57,600 बोला ना आपने, तो टैक्सेबल कितना बचा बच्चों? 14 में से 6 गए 8, 11 में से 7 गए 4, 4,800 करेक्ट? सर ओके नेक्स्ट। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड अ लैपटॉप कंप्यूटर फॉर यूज, यूज ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर सेलफोन इज टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल? एग्जाम्ड थैंक यू। नॉट एब्सोल्युटली। ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर होता तो उसका हम लॉ अलग लगाते। फर्दर द एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स क्लब फैसिलिटी फॉर, ऑफिशियल यूज। सो फार सो गुड। यस सर, और कुछ दिया है? ऑफर आराम आराम से जरा। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एचआरए कितना था? 1,20। एचआरए बस बचा हुआ है, आई थिंक बाकी सारे पॉइंट सॉल्व हो गए बच्चों। आ गया हाउस प्रॉपर्टी का पॉइंट आ गया। सर। ओ जरा ध्यान से सुनो, ही ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी विच ओनर इज यूज्ड बाय और इज हिम, ओन रेसिडेंस तो रेंट पेड बाय हिम इज, जीरो 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 तो एचआरए की एग्जम्पशन। देखना जरा कितना आंसर आ रहा है बेटा। सैलरी पर देखते हैं। सर जो लैपटॉप वाला उसका तो कुछ नहीं करेंगे ना, क्योंकि लैपटॉप इज नॉट अ ट्रांसफर, मतलब वो यूज करने के लिए दिया है। ना उसका कुछ नहीं करेंगे सर बेटा, हाँ उसका कुछ नहीं करेंगे। हाँ बोल भाई। एक सेकंड, यार यहाँ पर मेरे, तू कहाँ पर है अभी? ठीक आ रहा है सर। 882 800 आ रहा है। बादशाह रुपये, एक बार भाभी से पूछ ले, घर पे एक हेलमेट होना तो चाहिए यार, या मेरे पास या आशी के पास, दोनों में से एक के पास तो है। पहले भाभी से पूछ ले, अगर भाभी के पास नहीं है